धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि पहले ही सत्र में आपने सबको विभाजन संख्या अलॉट कर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जिसके कारण समय की बचत होगी और पार्लियामेंट की प्रवृत्ति बढ़ेगी। जो मैं मुख्य रूप से खड़ा हुआ हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि मेरी सरकार भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से समाप्त हो, इसके लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। 2014 में जब सरकार बनी तो इस सरकार ने पहले कैबिनेट में पहला निर्णय लिया, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए एसआईटी का गठन किया और साथ ही साथ बैंक करप्शन जैसे बिल को लाके बैंक से भ्रष्टाचार समाप्त करने का प्रयास किया, काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनीतिकों पे जो मुकदमा है उसके लिए विशेष न्यायालय का गठन किया गया, जिससे जल्दी से जल्दी ये विषय खत्म हो। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे भ्रष्टाचार चाहे व्यापारियों का हो चाहे राजनीतिकों का हो, बिना ब्यूरोक्रेसी के संभव नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ, जिस तरह राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे, अध्यक्ष महोदय विषय नहीं आया, जिस तरह राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे भ्रष्टाचार के लिए विशेष सत्र का विशेष न्यायालय की बनाया गया, उसी प्रकार ब्यूरोक्रेसी पे जो मुकदमा है उसके निस्तारण के लिए भी विशेष न्यायालय बनाया जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार केवल राजनीतिक नहीं करते, ये बिना ब्यूरोक्रेसी से सहयोग के संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि जनप्रतिनिधियों पे बहुत छोटे छोटे मुकदमे, पता लगा आचार संहिता का उल्लंघन है, किसी जन आंदोलन का मुकदमा है, ये सारे भ्रष्टाचार के श्रेणी में नहीं आते। इसलिए निवेदन है कि उसको मुकदमे की कार्रवाई से निकाला जाए।